भगवान श्री हरि के विग्रह की जब हम बात करते हैं तब बहुत सारी कथाएं इस विग्रह के साथ जुड़ी हुई हैं। 2014 में 4 अप्रैल को भगवान के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उस वक्त भी भगवान महाविष्णु जी और देवी महालक्ष्मी जी को इस विग्रह के अंदर, इस विग्रह के भीतर स्थापित किया गया था, प्राण प्रतिष्ठित किया गया था। तो आशा है कि आपको इनके दर्शन से बहुत ज़्यादा लाभ हो और डेफिनेटली इस विग्रह के साथ जो कथाएँ जुड़ी हुई हैं वो कथाओं के बारे में भी हम आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त पे आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग। तो जब श्री बद्रिका आश्रम के व्लॉग की बात आई तो हमने यही सोचा कि क्यों ना सबसे पहले हम भगवान के विग्रह से, इस मंदिर से शुरुआत करें। और सबसे पहले इसीलिए हमने साध्वी वृंदा जी के साथ एक संवाद किया। बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न आते हैं कि स्वामी जी के डिस्कोर्स कब होते हैं या फिर उनके दर्शन कब हो सकते हैं। तो उसके लिए तो आपको वेबसाइट ही देखनी पड़ेगी क्योंकि उसके ऊपर ही एक स्केड्यूल जो है वो वहाँ पे अपलोड किया जाता है। तो उसी के हिसाब से आपको अपना पूरा एक स्केड्यूल यहाँ पे आने का बनाना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त इट इज़ टाइम कि मैं आपको जिस स्थान पर से, जिस सिंहासन पर से स्वामी जी डिस्कोर्स देते हैं, मैं उनके दर्शन कराऊँ आपको और उनकी चरण पादुका के दर्शन कराऊँ। तो हियर इज़ द वीडियो। आज आप ये जो जगह देख रहे हैं, ये जो स्थान आप देख रहे हैं, वो आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले 2011 में एकदम बंजर भूमि हुआ करता था। लेकिन भगवान की प्रतिष्ठा के बाद स्वामी जी के, उनका जो तप है, ये जो साध्वी जी ने कहा कि ये तपोभूमि है, उनके तप के कारण आज ये जगह जो है, ये जो स्थान है, वो स्वयं भगवान की भूमि बन चुका है। और मैंने एक वीडियो में पहले कहा था कहीं पर, 15 साल तक मैं जो भी साधना करता था, जो भी मेरी नित्य पूजा होती थी, एक वक्त के बाद उसमें बहुत ही बड़ा फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लग चुका था। आई रियली डिडंट नो कि मुझे अब आगे कैसे मैं बढ़ पाऊँगा या फिर मुझे मार्गदर्शन कब मिलेगा। बाय द ग्रेस ऑफ भगवान श्री हरि मैं पहली बार जब यहाँ पे आया था, इट वाज अराउंड जनवरी 2023, और उसी वक्त से, शायद उसी समय से मेरी जो साधना की यात्रा थी वो आगे चल पड़ी। एंड अगर एक लॉजिकल आई से देखा जाए, रैशनल नज़रिए से देखा जाए, तो शायद ये चीज़ समझ में ना भी आए, और ये चीज़ रैशनल है भी नहीं। लेकिन जो प्रभाव, जो असर, जो दिव्यता मैंने यहाँ पे आके महसूस की है, वो आज तक किसी स्थान पर महसूस नहीं की। और ये जो अनुभूति है वो बहुत ही ज़्यादा अनन्य अनुभूति है, इसे शब्दों में बयां करना संभव ही नहीं है। तो एक यात्रा जो 15 साल से रुकी हुई थी, या फिर ये कह सकते हैं कि एक जगह पे जो आध्यात्मिक उन्नति थी वो रुक गई थी, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पॉज लग गया था, उसे वापस रिज्यूम करने में, उसे वापस से शुरू करने में ये जो स्थान है, मेरे जो गुरु हैं ओम स्वामी जी, उनका सबसे ज़्यादा और उन्हीं का श्रेय है बेसिकली। और एक लंबे वक्त के बाद, एक लंबे समय के बाद ये संभव हो पाया कि मेरी जो यात्रा है वो आगे बढ़ पाए। तो बहुत सारी जगह, बहुत सारे स्थान अभी और दिखाने हैं आपको, लेकिन सबसे पहले हम आपको यहाँ की जो सबसे सुंदर बुकशॉप है वहाँ पे लेके चलते हैं।
वो शेयर करवा दें। तो हमने ये भी सुना है कि एक डायरी आई है भगवान श्री हरि की, जहाँ पे उनके बहुत ही सुंदर सुंदर पिक्चर्स दिए गए हैं, तो क्या आप वो डायरी दिखा सकते हैं? डायरी है और इसमें श्रीहरि भगवान के ना बहुत ही खूबसूरत दिव्य आपको फोटो दिखे। अच्छा देखिए, तो ये है वो डायरी जिसके बारे में अभी करुणा जी बात कर रहे थे, और बहुत ही सुंदर जो भगवान के फोटोज हैं, उनके जो पिक्चर्स हैं, उनके श्रृंगार के फोटोज वो इसमें दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। एक ये है, फिर बहुत ही सुंदर भगवान का एक क्लोजअप दिया गया है, के बैच दिए गए हैं, जहाँ पे ये जो येलो वन है वो आप अगर यूज़ कर रहे हैं, तो मान लीजिए अगर आपकी यहाँ पे साधना चल रही है एंड यू डोंट वांट टू स्पीक, आपका मौन है, या फिर आप चाहते हैं कि आपसे आप ज़्यादा बात ना करें, तो आप ये जो बैच है ये इसके माध्यम से लोगों को कह सकते हैं कि यू नो आई मीन मौन, आई मीन साइलेंस। और ये जो है रेड, उसका तो एकदम क्लियर कट मीनिंग है कि आप बात नहीं कर सकते। ये स्वामी जी की एक बहुत ही सुंदर किताब है, द चिल्ड्रन ऑफ टुमारो, उसका एक बुकमार्क है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें आपको दो अलग अलग प्रकार की माला जो है वो दिख रही होगी। ये जो है वो ब्रेसलेट है जो आप हाथ में पहन सकते हैं, ये ब्रेसलेट और ये माला दोनों स्वामी जी के द्वारा ब्लेस्ड हैं, स्वामी जी के आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद इन्हें यहाँ पे लाया गया है। और जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त, जो भी साधक आश्रम पे आ रहे हैं, उनको ये दोनों चीज़ प्राप्त हो सकती है, बुकशॉप में आकर वो खरीद सकते हैं। और ये जो माला है वो आप अपने साधना के दौरान जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो है वो ब्रेसलेट है और ये गले में पहनने लायक 108 रुद्राक्ष की माला, जो हम देवी की साधना में उपयोग में ले सकते हैं, देवता की साधना में यानी कि महादेव की साधना में उपयोग में ले सकते हैं मंत्र जप के लिए, और गणपति भगवान की साधना में भी ये जो माला है इनका उपयोग किया जा सकता है। जो आप अगर श्रीपति का आश्रम आ रहे हैं तो आपको अवश्य मुलाकात लेनी चाहिए, और अगर आपको साइन पुस्तक चाहिए, अगर आपको एक ऐसी रुद्राक्ष की माला चाहिए जिसे एक संत ने, एक महात्मा ने ब्लेस किया हो, आशीर्वाद दिया हो, एक जागृत माला आपको अगर चाहिए, तो डेफिनेटली आपको ये जो माला है वो यहीं से प्राप्त होगा। तो ये है हमारी एक प्यारी सी छोटी सी बुकशॉप, जहाँ पे स्वामी जी की सारी किताबें और साध्वी जी की सारी किताबें प्राप्त होगी आपको। और जो हमने मंदिर में बात करी थी एक किताब के बारे में, पुस्तक के बारे में, जो स्वामी जी के संस्मरण की पुस्तक है, वो है इफ ट्रूथ बी टोल्ड, हार्ड बाउंड है, और इसके अंदर स्वामी जी ने अपने बचपन से लेकर जो देवी माँ के साक्षात्कार तक के जो सारे अनुभव हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिव्य भाव के साथ उन्होंने लिखे हैं। सो इट इज़ लाइक अ ग्रंथ, अ स्क्रिप्चर। और कोई भी साधक जो साधना मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये किताब, ये पुस्तक जो है, इट इज़ अ मस्ट रीड, यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। मैंने आई थिंक अपने किसी वीडियो में कहा था कि आपको 5 किताबें अगर आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अवश्य पढ़नी चाहिए। उन 5 किताबों में से जो सबसे पहली किताब थी वो ये किताब थी। इसके बाद जो हमने पुस्तक के बारे में बात किया था वो थी द एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास। साधक के एक प्रश्न हमेशा रहते हैं कि साधना मार्ग पर आगे बढ़ना है लेकिन सबसे पहली साधना कौन सी होनी चाहिए,
और कैसे करनी चाहिए, कौन से दिन से शुरुआत करनी चाहिए, इन सारे प्रश्नों के जवाब, डिटेल्ड आंसर आपको जो है इस पुस्तक में से प्राप्त होंगे। इसका नाम है द एंशियंट साइंस ऑफ मंत्रास, रिटन बाय ओम स्वामी। एकमात्र आश्रम ही ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ये जो किताब है इसके अंदर स्वामी जी के जो एक सिग्नेचर है वो भी आपको आशीर्वाद के तौर पर प्राप्त होंगे। तो अगर आप आश्रम से पुस्तक खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली आपको साइंड जो एक पुस्तक है वो प्राप्त होगी। तो ये थी हमारी द एंशियंट साइंस ऑफ मंत्रा। उसके बाद मैं आपको जो एक बहुत सुंदर किताब है वो दिखाना चाहता हूँ, अ मिलियन थॉट्स। देखिए, देवादिदेव महादेव के दो अंग हैं, एक अष्टांग योग जिसे नाम दिया गया है, दूसरा तंत्र या फिर अघोर, आप जो भी नाम, द लेफ्ट हैंड ऑफ द गॉड। तो अष्टांग योग जो है उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि, ये आठ अंगों का समावेश होता है। और सभी साधक जो रहते हैं वो अलग तरीके से मोक्ष तक पहुंचना चाहते हैं। दोनों मार्ग जो हैं वो आपको मोक्ष तक पहुंचाएंगे। एक ध्यान का मार्ग है और दूसरा मंत्र साधना का मार्ग है। तो हमने जो पहले किताब देखी द एंशियंट साइंस ऑफ मंत्रास, वो आपको मंत्र और तंत्र साधना में कैसे आगे आप बढ़ सकते हैं उसकी आपको जानकारी देगी, और विधि विधान के साथ, मंत्रों के साथ, सभी रिचुअल्स के साथ आपको ये जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एंशियंट साइंस ऑफ मंत्रा से प्राप्त होगी। और अ मिलियन थॉट्स ये जो किताब है, ये पर्टिकुलर पुस्तक आपको अगर ध्यान मार्ग पर आगे बढ़ना है, आपको ध्यान योग में आगे बढ़ना है, मेडिटेशन की जर्नी में आगे बढ़ना है, आपको अपने पोस्चर को ज़्यादा सुधारना है, अपनी जो ध्यान की यात्रा है उसे सुदृढ़ बनाना है, तो उसके लिए अ मिलियन थॉट्स ये जो पुस्तक है वो आपके लिए एक मस्ट रीड बुक बन जाएगी। ओम स्वामी एज वी नो हिम, इस पुस्तक के बारे में हमने मंदिर में बात की जब साध्वी जी अपने पूर्वाश्रम में थे और उन्होंने स्वामी विद्यानंदा ओम जी के साथ मिलकर ये किताब लिखी थी। और इसी पुस्तक के अंदर हमें भगवान श्री हरि की जो प्राण प्रतिष्ठा की तारीख थी, जो वो समय था, वो जो एक पर्व था, वो जो अवसर था, उसके बारे में इन डेप्थ बातें यहाँ पे इस पुस्तक में लिखी गई है। और आपको अगर श्री बद्रिका आश्रम ये जो स्थान है उसकी पवित्रता के बारे में, उसकी दिव्यता के बारे में वाकई में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, ये स्थान आपके जीवन को परिवर्तित करने में किस हद तक सक्षम है इसकी आपको जानकारी चाहिए, यू मस्ट रीड दिस बुक। तो आपका स्वागत है एक बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी में। दिस इज आवर लाइब्रेरी। और यहाँ पे हमने बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं जिसका हम अभी आपको सारी किताबें दिखाएंगे। तो ये हमारी लाइब्रेरी है और यहाँ पे बहुत बार बुक रीडिंग सेशंस भी होते हैं जो साध्वी निष्ठा जी के द्वारा, साध्वी वृंदा जी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। तो अलग अलग किताबों में से जो आप एक विजडम पर्ल्स जिसे कह सकते हैं उसे चुन चुन कर बुक रीडिंग सेशन में भावुकों के लिए यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। तो हियर इज़ दैट प्लेस वेयर बुक रीडिंग सेशन हैपन्स। तो ये जो सारी किताबें हैं ओम स्वामी जी की, ये सारी किताबें और इसके अलावा जितनी किताबें लाइब्रेरी में हैं वो सारी किताबें आप यहाँ पे बैठकर जो हैं वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई किताब ख़रीदनी नहीं है लेकिन आपको पढ़नी है तो लाइब्रेरी के जो आवर्स रहते हैं वो सुबह के समय लाइब्रेरी खुली रहती है और शाम के समय भी लाइब्रेरी खुली रहती है। तो उस समय के दौरान आप ये सारी किताबें जो हैं वो यहाँ आकर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा ब्रेल डिपार्टमेंट है जहाँ पे ब्लाइंड पीपल के लिए जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए सारी किताबें ब्रेल लिपि में लिखी गई है।
तो यहाँ पे आपको हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, मूल ग्रंथ, जैसे कि श्रीमद् देवी भागवत, भगवद गीता, महाभारत, फिर बहुत सारे उपनिषद यहाँ पे हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्राप्त हो सकते हैं। और इसके अलावा आपको अगर वास्तव में शास्त्र को पढ़ना है तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, जहाँ पे आप आके अपने धार्मिक नॉलेज को, धार्मिक ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को आप बढ़ा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, सुंदरकांड से लेकर बहुत सारे ग्रंथ यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, जो श्रीमद् वाल्मीकि रचित रामायण, और ये जो ग्रंथ यहाँ पे रखे गए हैं, गीता प्रेस गोरखपुर जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक एक संस्था मानी जाती है, प्रकाशन माना जाता है धार्मिक ग्रंथों के लिए, आध्यात्मिक ग्रंथों के लिए, तो उनका उनके प्रकाशन के ये सारे पुस्तक इंक्लूडिंग रामचरितमानस, ये आपको यहाँ पे प्राप्त होंगे। तो ये है हमारे बहुत सुंदर पहाड़ श्री बद्रिका आश्रम के, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, इसी पहाड़ों के बीच 2010 में जब स्वामी जी ने संन्यास धारण किया, उससे पहले वे यहाँ पर आए थे, और उन्होंने ये तय किया था कि इसी पहाड़ों के बीच, इसी स्थान पर श्री बद्रिका आश्रम का निर्माण किया जाएगा। और आप ये जो सुंदर पूरा एक नज़ारा देख रहे हैं, इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत सुंदर चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि आने वाले भविष्य में, आने वाले दिनों में, ये जो एक स्थान है हमारा, ये स्थान साधना स्थली के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। और ये जो जगह है यहाँ पे, यहाँ पे इन फ्यूचर कुटीर बनाई जाएगी साधकों के लिए। तो इसी स्थान पर साधकों के लिए आने वाले दिनों में एक कुटीर बनाई जाएगी, ताकि जो भी साधक आने वाले दिनों में सॉलिट्यूड में रहकर साधना करना चाहते हैं, जो भी साधक ये चाहते हैं कि हमें प्रकृति के बीच में रहकर साधना करनी है, उपासना करनी है, तो उनके लिए इसी स्थान पर आने वाले भविष्य में बहुत ही सुंदर कुटीर का निर्माण किया जाएगा, ताकि आप वास्तव में शास्त्रोक्त पद्धति से जो साधना का महत्व है वो समझ पाए। इसी के साथ बहुत सारी साधना ऐसी रहती है जहाँ पे 40 दिन का संकल्प होता है, 40 दिन का अनुष्ठान होता है, या फिर 120 दिन का पुरुष चरण रहता है, तो उस वक्त पे एक स्टेट ऑफ माइंड को मेंटेन करना, एक स्थान पर बैठकर, एक आसन पर बैठकर, और वो भी प्रकृति के बीच में रहकर मंत्र को जागृत करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इसी हेतु के साथ, इसी उद्देश्य के साथ इस स्थान को आने वाले भविष्य में साधना स्थली के तौर पर जो है वो डेवलप किया जाएगा। तो अब हम जिस जगह पे जा रहे हैं वो है गिरिगंगा, और यहाँ पे ही गिरिगंगा जो है वो बह रही है। गिरिगंगा का जो पानी है वही जल शुद्ध करके आश्रम के हेतु जो है उसे उपयोग में लिया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है प्लांट, जहाँ पे गिरिगंगा के पानी को शुद्ध किया जाता है और फिर आश्रम में इसे उपयोग में लिया जाता है। तो ये है हमारी गिरिगंगा नदी। इस नदी के साथ बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं, और अगर आपने ओम स्वामी अश्विन ओहिम जो पुस्तक है वो अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि भगवान श्री हरि उनका जो विग्रह है, जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस वक्त पे जो आईना जहाँ पे भगवान को प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, उस वक्त पे उस कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस के दौरान एक मिरर को, एक आईने को भगवान के मुख के सामने, उनके मुखारविंद के सामने रखा जाता है।
और जब वो टूट जाता है वो पवित्र माना जाता है, और इसी वजह से वो जो आईने के टुकड़े थे, वो जो मिरर के ग्लासेस थे अलग अलग, वो सारे ग्लासेस, वो जो टुकड़े थे वो इसी नदी में बहाए गए थे। और एक बहुत सुंदर वाक्य मुझे याद आ रहा है जो मैंने यहाँ के ही एक डिवोटी के पास से सुना था। एक फ्रांस की महिला है जिन्होंने ना तो कभी भारत देखा था, ना तो उन्हें कभी भारत के ईश्वर के बारे में कुछ पता था। तो वो जो महिला थी, उनके स्वप्न में भगवान श्री हरि जो है वो आए, और उस वक्त उनके पति का देहांत हुआ था, और उनको ये संकेत मिला कि भारत जो है वो उनको बुला रहा है, भारत की आध्यात्मिक भूमि जो है वो उनको आवाहन दे रही है। और उन्होंने फ्रांस से पहली बार भारत उड़ान भरी और यहाँ पे आके, इसी आश्रम में आके उन्होंने अपना, अपने जो पति का अस्थि कलश था वो स्वामी जी को उन्होंने उनके चरणों में अर्पण कर दिया, वो जो अस्थि कलश था वो। और उसके बाद स्वामी जी ने विद्या स्वामी को ये आदेश दिया था कि उनके जो पति के अस्थि कलश हैं, उनके जो अस्थियां हैं, वो इसी नदी में बहा दी जाए। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे केसेस हुए, बहुत सारे ऐसे ऐसे कथाएं हुई है जहाँ पे इस भूमि के साथ या फिर इस देश के साथ किसी का संबंध ना हो, फिर भी ये जो भूमि है, ये जो भगवान है यहाँ के, जो प्राण प्रतिष्ठित हैं, जो साक्षात हैं, उन्होंने अपने भक्तों को यहाँ पे बुला ही लिया है। तो कहा जाता है ना कि आत्मा जो है उनकी कोई सीमा नहीं होती। अगर एक आत्मा उन्नत है, अगर एक आत्मा आध्यात्मिक दौर से गुजर कर इस जन्म में आई है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति जो है वो उत्पन्न होके रहती है जहाँ पे भारत की ये भूमि, ये आश्रम उनको खींच ही लाता है। और मुझे एक डिस्कोर्स याद आ रहा है इस वक्त पे जहाँ पे स्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही थी कि अगर आप बद्री का आश्रम में आ पा रहे हैं तो इसका स्पष्ट अर्थ ही यही है कि आपके एक कर्म के लिस्ट में कुछ कुछ टिक मार्क लग चुके हैं। ये उन्होंने कुछ साल पहले शायद किसी सत्संग में कहा था, एक इवेंट के दौरान। तो यहाँ पे आना यही सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि वैकुंठ में आना किसे नहीं पसंद। तो सारी ये जो भूमि है, इतनी पवित्र भूमि है, और इसी पवित्र भूमि पर भगवान विराजमान है। श्री बद्री का आश्रम की इस भूमि पर बहुत सारे लोगों ने इतने सालों में बहुत सारी तपस्या की है, साधना की है, और अपने अपने मंत्रों को जागृत किया है। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी इस भूमि पर अवश्य आएँ और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर साधना जो है वो ज़रूर करें। ये भी एक प्रश्न रहता है कि अगर यहाँ पे आके साधना नहीं हो पा रही तो क्या करें। देखिए, इसका भी एक विकल्प जो है वो ओम स्वामी जी ने दे दिया है, साधना ऐप के माध्यम से। अगर आपका मार्ग जो है वो मंत्र साधना या फिर तंत्र साधना का मार्ग है, तो आप जो VSF वैदिक साधना फाउंडेशन, उनके माध्यम से, जो जिनके फाउंडर स्वयं स्वामी जी हैं, उन्होंने साधना ऐप जो है वो लॉन्च की है, जहाँ पे आपको 150 से ज़्यादा जागृत मंत्र प्राप्त हो जाएंगे। आपको डेली साधना ऐप पर ही आप अपने नित्य पूजा जो है वो कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, और अलग अलग ओकेशन पर, अलग अलग इवेंट्स वहाँ पे वर्चुअली भी आप जो है वो अटेंड कर सकते हैं। तो अगर आप, मान लीजिए आप नहीं आ पा रहे इस भूमि पर, जब तक आप कंडीशन आपको साथ ना दे, तब तक आप अपने घर पर बैठकर भी साधना कर ही सकते हैं। तो आपको ये एक प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अगर यहाँ पे आऊँगा तो ही साधना हो पाएगी। नहीं, यहाँ पे आएंगे डेफिनेटली साधना हो पाएंगी। उसके साथ साथ आपके पास ऑलरेडी अपने मोबाइल में एक विकल्प अवेलेबल है, उपलब्ध है, जो विकल्प भी ओम स्वामी जी के द्वारा ही दिया गया विकल्प है।